हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका दोस्त एंड होस्ट प्रदीप फिर से एक नए व्लॉग लेके हाजिर है। तो गाइस, आज मैं घूमने के लिए आया हूँ कुछ खास प्लेस में, जहाँ पानी ही पानी नहीं सब कुछ है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत कुछ फन होगा, मस्ती होगा, सुकून होगा, हर चीज़ होगा। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो गाइस, ये है सेट और इसके सामने ठीक एक छोटा सा झील, जहाँ हम कर सकते हैं चिल 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 चिल। तो गाइस, अभी मैं इधर ही खड़ा हूँ झील के पास। जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ वही है। तो हर बार की तरह झील या जंगल यही सब आता है मेरे ब्लॉग में, लेकिन कोई बात नहीं यार, थोड़ा दिन के बाद कुछ ना कुछ स्पेशल भी लाऊंगा। तो क्या करें, आज तो मैं यहाँ आया थोड़ा देर अपना स्ट्रेस हल्का करने के लिए। जब भी मुझे कोई टेंशन होती है तो मैं ऐसे ऐसे जगह में आता हूँ जहाँ मुझे सुकून मिलता है, मैं अपने आप को अकेला कर लेता हूँ, दुनिया से थोड़ा एकांत में आता हूँ, जहाँ मैं कुछ वक्त बिताता हूँ, सोचता हूँ, बैठता हूँ, अकेले कुछ बातें करता हूँ अपने आप से। मैं कई बार सोचा कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, कई ऐसी मजबूरियाँ होती है जब आदमी अपने आप से भी नफरत करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं अपने आप से तो नफरत नहीं करता हूँ, ना ही आप लोगों से करता हूँ यार। तो चलिए, और भी बातें होगी, अभी इस ब्लॉग में आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस, थोड़ा देर के वक्त प्राकृतिक के साथ मस्ती भरा पल। बादल छाया हुआ है, मौसम ठंडा है और ये है हमारा बैठने का जगह, बहुत अच्छा है ये। आप देख सकते हैं कितना मस्त जगह है। अभी तो थोड़ा बारिश का दिन है, इसीलिए क्या ये घास फूस ज़्यादा उग गए हैं और थोड़ा डर सा है, क्योंकि ज़्यादा है, एकांत है यहाँ। क्या आते हैं, हर चीज़ बना हुआ है, मस्त है। अगर कभी भी आपको ज़्यादा टेंशन लगे तो ऐसे जगह में आओ, मज़ा आएगा। जब कभी आदमी मतलब क्या बोले, जब सुकून का पल बिताना हो तो ऐसे जगह ही ढूंढना चाहिए जहाँ आपको शांति मिले, सुकून मिले। देख सकते हैं कितना पुराना बरगद का पेड़ है। तो चलिए, मैं थोड़ा इस पर चढ़ता हूँ, मस्त है, एकदम शानदार है। सीढ़ी बना हुआ है, ऊपर आप पैदल चल सकते हैं, पेड़ के ऊपर से बना हुआ है गाइस, मज़ा आता है यार। ऐसे ऐसे जगह में जब कभी हम लोग को आने का मौका मिलता है, मेरे को पता भी नहीं था, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं था, ये नज़दीक ही था, तो मैं सोचा, मेरे को भी किसी ने बताया कि भाई ये एक तालाब है और तालाब के पास ही एक सीढ़ी बना हुआ है, अब कभी भी आपको दिल करे तो जाओ, स्ट्रेस फ्री होके आओ। तो मैं इस जगह में आज आया, वाकई में यार बहुत सुकून है, बहुत मज़ा आ रहा है।
अब सोचोगे जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत यही सब है, लेकिन है तो बहुत अच्छा जगह यार, सच में इतना मस्त जगह है। यहाँ चाहो तो कुछ वक्त आप बैठ के बिता सकते हो, ये बैठने के लिए भी है, चारों तरफ हरियाली है, जंगल सा है, लेकिन आए तो दिलकश जगह भाई। मैं तो ऐसे ही जगह ढूंढता हूँ जहाँ मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, साधु संत की तरह अपना वक्त बिताना चाहता हूँ, ऐसे बैठ के ऐसे ही कुछ वक्त मिला तो मैं अकेला ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे जगह में आता हूँ। तो गाइस मैं आप लोग को दिखा दिया, अभी तो चलते हैं वापस क्योंकि टाइम हो गया, बस इतना ही टाइम था, कम से कम 30 मिनट। ये पेड़ बड़ा सा पुराना पेड़ है, टूट गया, तो गैस हो सके तो ज़िंदगी में मौका लगे तो पेड़ पौधा ज़रूर लगाएं लाइफ में। मैं भी लगाया अपने घर पे, आम का पेड़ लगाया हूँ, बहुत अच्छा है, इस बार खूब फला था, हम लोगों ने खूब खाया, पूरे फैमिली परिवार, बहुत खुश भी लगता है जब आप खुद का पेड़ लगाया हुआ से फल तोड़ते हैं या खाते हैं। तो ये है गाइस, मैं आ गया वापस, और उधर है तालाब जहाँ आप बैठ के वक्त बिता सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भाड़ में जाओ, आपको सुकून तो ऐसे ही जगह से मिलेगा गाइस, जहाँ आपको शांति मिलेगी, मस्त फीलिंग आएगा, एकांत में रहो, अपने बारे में सोचो, घर के बारे में सोचो, फैमिली के बारे में सोचो, अपने अच्छे अच्छे पल को याद करो, ऐसे जगह में आओ। मैं भी आया था आज, तो चलते हैं वापिस, हो गया टाइम। काफी वक्त बिताया तालाब के पास, अब वापिस जा रहा हूँ। पीछे देखना पड़ेगा कहीं गिर ना जाऊं, आप लोगों को व्यू, मैं सोच रहा हूँ सारा व्यू थोड़ा कैप्चर हो जाए, और कुछ नहीं, फिर भी यार वाकई में बहुत अच्छा जगह है। एक नज़ारा चारों तरफ, ओके गाइस ब्लॉग अंत करने का समय आ गया है, तो हर बार की तरह वही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दे मेरे भाई। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।